इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया गया, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में यूथ के लिए एक नई मिसाल पेश की गई। यहां शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित आंगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 14 को एक उभरती हुई कलाकार मोहिनी शर्मा के द्वारा गोद लिया गया, जिसके तहत उन्होंने बच्चों को पोषण आहार वितरित किए। वहीं आगे इस आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रण लिया। मोहिनी शर्मा पेशे से मॉडलिंग करती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से मेरा ये विचार चल रहा था, जिसे आज मैंने साकार किया है और आगे भी समाज सेवा के लिए मैं इसी रूप में कार्य करती रहूंगी। वहीं इस कार्यक्रम के तहत महिला मोर्चा जिला मंत्री संध्या सूरजमल शर्मा भी उपस्थित रही। उन्होंने वहां स्थित बच्चों और महिलाओं से देश भर में चलाए जा रहे ध्वजारोहण अभियान का हिस्सा बनने को लेकर लोगों को जागरूक किया और सभी लोगों से 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराकर देश का मान और बढ़ाने की अपील की। वहीं इस अवसर पर आंगनवाड़ी सहायिका विजया कोलते, कार्यकर्ता नीतू बर्डे, नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीषा पाटिल, उपाध्यक्ष सुधा शर्मा, महामंत्री ज्योति पटेल, हीरा चौधरी आदि बच्चे एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। पीथमपुर से अमजद पटेल की रिपोर्ट। बताएं आज का ये आयोजन क्या था, पूरा आयोजन आपकी तरफ? तो आज मैंने यहाँ पर आंगनवाड़ी गोद ली है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये वार्ड क्रमांक 6 में आंगनवाड़ी क्रमांक नंबर 14 मैंने गोद ली है। तो मैं ये समझती हूँ कि एज अ यूथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल वर्क करें और आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं करूँ, तो ये मैं इनको अभी जो भी हेल्थ या नरिशमेंट बच्चों को जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी और स्टडीज़ को लेकर जैसे नॉर्मल या टॉयज, तो ये सब मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी। और यहाँ पे अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब सॉल्व करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे बच्चों पर अभी ध्यान देंगे तो वो ही फ्यूचर में जाके अच्छे से डेवलप होंगे। तो मैं ये आंगनवाड़ी अपने अंडर लेना चाहती हूँ और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आए और जो भी डेवलपमेंट है उसका पूरा प्रोग्रेस मैं देखना चाहूँगी। आपका नाम बता जी? मोहिनी शर्मा। आज का ये कार्यक्रम क्या था पूरा? पीतमपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड क्रमांक 6 में आंगनवाड़ी 14 में आंगनवाड़ी गोद का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो अभियान चलाया जा रहा है घर-घर तिरंगा फहराना, उसी के अंतर्गत हमने मातृशक्ति आज इकट्ठा हुई थी उनके जागरूकता के लिए। महिला सब इकट्ठा होकर उनको जागरूक करने के लिए, अभियान को सफल बनाने के लिए उनको प्रेरित किया गया कि हमें 11 से 17 के बीच हमारा राष्ट्रीय सम्माननीय ध्वज फहराना है, घर घर फहराना है, सुबह लगाना है और सम्मान के साथ शाम को उसको उतारना है। इस सभी जो अभियान की विस्तृत जानकारी मातृशक्ति को दी गई और उनको प्रेरित किया गया कि हर घर उनको फहराना है, अपनों खुद भी लगाना है और सबके उसके लिए प्रेरित भी करना है, क्योंकि ये समय बहुत अनमोल है भारत का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके मार्गदर्शन में उनके सब में विश्व में भारत को बहुत अच्छी पहचान दिलाई है। सब तरफ हमारा विश्व में एक अलग पहचान हो के हमारा हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। इसी ये जो समय है, इस समय को हमें और आगे बढ़ाना है, हमें जिंदा लहरा के हमारे भारत के उज्जवल भविष्य को और फैलाना है। आपका नाम बताइए? संध्या सूरजमल शर्मा, जिला मंत्री महिला मोर्चा का। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।